नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला के हनमना से सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आवे वाले कुकुड़ी झर गांव के रहने वाली किशोरी नम्रता की रही, जो उनके 3 दिन से अपने घर से लापता रही। उनका शव 7 जनवरी का ही कुआ में तैरत मिला। अपना बताई के परिजन गांव में के एक लड़का पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाई। वहां मामला में ही शामिल सब अपराधीन का फांसी के फंदा तक पहुंचावे खातिर कड़ी कार्रवाई के मांग कराई कलाई के आज NSUI के नेतृत्व में ही सेठ रघुनाथ प्रसाद कॉलेज हनुमाना से पुराना नगर परिषद के सामने पार्क तक पैदल मार्च निकाला गया। अपना बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम से हनुमाना SDM का ज्ञापन सौंपा गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिस तरह नम्रता गुप्ता की हत्या की गई है, अभी तक हम जो ये सब न्यूज़ देखते थे TV चैनलों के माध्यम से देखते थे, आज हमारे घर की ही इस बेटी का जो हत्या की गई है, मैं चाहती हूँ शिवराज सिंह सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं प्रशासन से शासन से कहना चाहती हूँ, उस अपराधी को पकड़ कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, सबसे पहले मैं मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनके दुखद परिवार में भगवान सभी को सहन शक्ति प्रदान करे। लेकिन आज जिस तरीके से नम्रता के साथ अपहरण करके और 4 दिन तक उसका लापता रहा और लापता होने के बाद उसकी हत्या करके कुआं में फेंक दिया गया। बुलेटिन की अगली खबर है जलकुट पिपराही मार्ग में जाए वाले ओवरलोड वाहनन से संबंधित। अपने बता दें कि ओवरलोड वाहनन के गुजरे के कारण वहां से उड़े वाली धूल और माटी के कारण वहां के लोगन के जीना मुहाल हो चुका है। गांव वाले बताएं कि ये रास्ता में ही भारी वाहन के नो एंट्री है भाई। कलेक्टरों यहां भारी वाहनन के प्रवेश में ही प्रतिबंध के आदेश जारी करी ने। एक बावजूद यहाँ जो उनके वाहन हनुमना बॉर्डर से होकर गुजरे चाहिए, वहाँ यहाँ करीब 200 से 250 वाहन हर रोज गुजरा था। आप लोग गाड़ियां क्यों रुकवाए हुए हैं? गाड़ियां हम लोग नहीं रुकवाए हैं, जाम लगी है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे बहुत धूल दस्त सब उड़ता है, बहुत परेशान है यहाँ के लोग। नो एंट्री है, फिर भी गाड़ी वाले यहाँ पे मान नहीं रहे, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है सर जी कि यहाँ पे इतना ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं, एक नहीं 200-300 पर डे का है। क्या ओवरलोड में क्या जा रहा है? बालू जा रहा है, बालू गिट्टी भपसी यही सब जा रही है। बुलेटिन की अगली खबर में ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और कुंवर अक्षय प्रताप सिंह के अनुशंसा में ही तरुणेंद्र सिंह गहरवार का जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पद पर नियुक्त किएगा। जिसके बाद तरुणेंद्र सिंह गहरवार आभार व्यक्त करें और कहें कि जो जिम्मेदारी उनका दीन गई है वो का पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ पालन करें। वह पार्टी के उद्देश्यों का बताएं, कहें कि पार्टी समाज हित और समानता के अधिकार खातिर काम करें। आई अपनों को सुनाई थे उनका का कुछ कहा है। प्रदेश में चुनाव का इसका आगाज होगा आने वाले चुनाव में। अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई? अभी नहीं, अभी पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी आएंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी व्यस्त हैं वो। चुनाव जैसे उत्तर प्रदेश खत्म होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश बिल्कुल बुलाया जाएगा। भाई बहनी, बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां रैली निकाल के प्रदर्शनकारी कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरा में उनके काफिला का जो रोका गया रहा वो मां कांग्रेस पार्टी के हाथ है। वही हाउ बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जो उन देश के नेतृत्व कर रहा है, जिनके सुरक्षा के व्यवस्था में ही वहां के सरकार का पहले से इंतजाम करे चाहिए, उनके रैली में वहाँ 15 से 20 मिनट खातिर रोका गया, जो वही कांग्रेस के चाल है। अगर ये समय माही मोदी जी का कुछ हो जात तो ओखर जिम्मेदारी कौन ले? आइए अपना को सुनाई थे रैली में शामिल लोग का कहें। देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री के देश के अंदर ही कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में एक प्रकार से चूक की। फिर उस अब घटना को देखेंगे तो 15 से 20 मिनट देश के प्रधानमंत्री जैसे अति सुरक्षित व्यक्ति, जिसके लिए विशेष प्रकार की सुरक्षाएं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का 15 से 20 मिनट तक काफिला एक फ्लाईओवर में फंसे रहना, ये निश्चित रूप से एक चूक नहीं है। ये मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है। इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है, आप सब देख रहे हैं। इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, कौन है? कांग्रेस सरकार का हाथ है। कांग्रेस ने
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से डर कर इस प्रकार की साजिश की है। बुलेटिन की अगली खबर रही चौराहा से, जहां संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री माही सनसनी खेज मामला सामने आबा है। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी माही विकास कॉलोनी माही युवक के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। अपने बताया दी कि रात करीब 12 बजे युवक के मौत भय, वहां नवस्था पुलिस मौके पर हवे। साथ ही घटनास्थल माही सीमेंट श्रमिक एकता यूनियन और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी एक साथ मिलके मृतक के परिजनन खातिर कंपनी प्रबंधक से मुआवजा के राशि खातिर अड़े रहे। अपने बताया दी कि कंपनी के प्रबंधक से मुआवजा राशि के तौर पर 1.5 लाख रुपये दे के आश्वासन देगा, पर परिजन माने का तैयार नहीं रहे। बिटिया को लगाई कई के अम्मी पापा चर पटाला अब हम गारे तर पैरो बैला रात में 12 बजे के। कितने बच्चे हैं आपके? 3 के बिटिया ही बिटिया, बुढ़वा ससुर हैं, आँखें नहीं दिखाई। रात को पापा साफ करने उठे थे जी, अंदर गए सोने, गिर गए तो मैं उठकर बोली पापा क्या हुआ, पापा कुछ नहीं बोले। कितने बजे रात की घटना है ये? 10:30। बुलेटिन की अगली खबर रही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर माही, जहां उत्तर प्रदेश के अपराधी एक युवक के अपहरण करके उनके साथ मारपीट करीन और फिर घायल अवस्था में उका मध्य प्रदेश के बॉर्डर माही फेंक दी। अपने बताई कि घटना की जानकारी बिहरने लगी जब लोग युवक का ठंड में पड़ा दिखे। पुलिस का सूचना दीन गए तब पुलिस पूछताछ करके यूपी पुलिस का सूचना दीन, जिसके बाद यूपी पुलिस अस्पताल में युवक से पूछताछ करके मामला के जांच कर रहा है। अपने बताया कि यह मामला चाकघाट थाना क्षेत्र के बघेड़ी सेंगरवार के आए, जहां 22 वर्षीय युवक का ही हाथ पैर बांध के जिनके शरीर में चोट के निशानों मिले हैं उनका फेंक दिन गया है। अगर वह युवक के मानी तो युवक बताएं कि उनका प्रयागराज के नैनी से कुछ लोग अपहरण कर लिए रहे, जिसके बाद उनका मारपीट के यहाँ फेंका गया। सिमरिया विधानसभा में ही विधायक के कौन मेर के आतंक है या तो कोनो नई बात नहीं आए, कई एक बार एक उदाहरणों मिले हमा। अपने बताया दी कि ताजा मामला उस समय के आए जब थाना प्रभारी खुलासा कर दी। अपने बताई कि पत्रकार वार्ता के समय में ही स्थानीय कारोबारी फोन पर थाना प्रभारी से बात करीन तो थाना प्रभारी यह कबूल करीन विधायक पुराने मामलन के फाइल खुलवाए के मामलन के दर्ज कराए के दबाव बनाए रहे हमा। अपने बताई कि मामला सेमरिया में हो रही अवैध वसूली के आए, जहाँ के कारोबारी भागीरथी शुक्ला कई एक बेर ये मुद्दा का उठाएं, यहीं से विधायक बौखलाए गए और उन पर दबाव बनाए रहे हमा। जी सरल सर जी, फिर आए तो नहीं रहा वो औरत के लड़के, हम गए रहे नो के पास आदमी लड़की, हाँ आए तो नहीं रहा, फिर नहीं आया था ना औरत को लेकर शिकायत कराने। नहीं अपना जब कल सुबह हमको फोन किया था ओके बाहर हम ओके उसके पास गए अपने आदमियों को लेके दबाव बनाए कि भाई तुम काय कर रहे हो, तो उसने कहा कि वो बार बार विधायक जी और मंडल अध्यक्ष जी का फोन आ रहा है, तो बोला कि हम तो किसी हाल में नहीं जाएंगे तैयार थे, हाँ और मेरे ऊपर दबाव बना के भेजा जा रहा था, तो बोले आपको किसने कहा, हमने कहा हमको अगर फोन आया, फिर हमने लास्ट में बताया कि भाई तुम जाने वाले हो और जबरदस्ती टीआई साहब ने हमसे कहा, हम देख भी रहे थे जब परसों उस दिन मैं बैठा था थाने में 4 तारीख को, तो बार बार आपके पास फोन ही नहीं कहा रहा था, अपना कहाबो भैन हाँ कि दबाव है क्या करूँ। क्लियर नहीं हो रहा है कि वो वीडियो में कोई किसी तरह का कोई जो बात करने वाला है वो थाना प्रभारी है, हम सारे तथ्यों के संबंध में जानकारी ले लेंगे और उनके द्वारा विभागीय अनुशासन का कहीं कोई उल्लंघन हुआ होगा तो हम उसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो भैया बहनी आज के बुलेटिन में इतना ही, बघेली में ही खबर देखे के लाने देखत रही हमार बिंद के बघेली समाचार, साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूली। नमस्कार।